हेलो बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का क्लासेस में एंड क्लास फिजिक्स चैप्टर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देखते हैं हैं इसका इसका सॉल्यूशन पहले तो तो स्टेटमेंट स्टेटमेंट देख लेते हैं एक बार चेक टेबल ऑफ फिजिकल कॉन्स्टेंट एंड डिटरमाइन वैल्यू ऑफ दिस फर्स्ट इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है इस क्वेश्चन को एक बार समझ लेते हैं पहले तो हमें क्या करना है ये बताना है कि ये रेशियो जो है क्या ये रेशियो डायमेंसन लेस है अब इसको अगर हम चेक करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि के यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो कांस्टेंट आता है कुलॉम्स लॉ में वो के है तो के की वैल्यू क्या होती है वन ऑफ पॉइंट फोर पेड नॉट ई क्या है इसके साथ में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका स्क्वायर हो गया एंड डिवाइडेड बाई जी

यहां पे आप अगर चेक करेंगे तो ये जो वैल्यूज दे रखी है रेशियो यहां पे लिख देंगे इन द रेशियो इन द रेशियो के ई स्क्र अपॉन जी एम ई एम पी वेयर के इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट राइट वन अपॉन फोर पाई एप्सल नॉट जो कि क्या होता है एक कांस्टेंट होता है एंड जी जो है जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो सब चीजें लिखने की जरूरत नहीं जी क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आप मास जो मैंने बता दिया आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन राइट यहां तक क्लियर हो गया अभी हमें क्या करना है एक एक की डायमेंशन चेक करनी है तो सिंस एफ इज इक्वल टू कितना होता है ये होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर ये हम कुल्स लॉ से जानते हैं एफ इज इक्वल टू कितना होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वाइट तो यहां से आप के की वैल्यू लिए। तो दैट के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तो हो जाएगा ठीक है तो अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एफ आर स्क्वेयर अपॉन क्यू स्क्र राइट तो यहां से आप निकाल सकते हैं देखो एफ की वैल्यू क्या है न्यूटन तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा देखो के इज इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे एम एल स्क्वायर न्यूटन को क्या लिखते हैं न्यूटन की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू ठीक है ये न्यूटन की डायमेंशन हो गई एल क्या है यहाँ पे ये लेंथ की डायमेंशन है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर उसके बाद यहाँ पे है क्यू चार्ज तो इसकी डायमेंशन होती है ए टी और ये स्क्वायर है तो हो जाएगा ए टी स्क्वायेयर राइट तो इसको अगर हम इसकी डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन निकल के आएगा एम एल क्यू टी माइनस फोर एंड ए माइनस टू ठीक है तो ये डायमेंशन ऑफ के निकल के आई है ओनली अभी इसके बाद क्या है चार्ज है तो यहां पे ई e दिख रहा होगा आपको तो इसके आगे हम यहां पे क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ ई तो यहां पे लिख देंगे द डायमेंशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ ई मींस इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी होगी ए टी राइट एंड द डायमेंशन ऑफ डायमेंशन ऑफ जी जी क्या है यहाँ पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट तो इसकी डायमेंशन अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगी एम एल एल टी एंड एंड सेम स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास मास की डायमेंशन क्या होती है एम तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर ठीक है तो इसकी भी डायमेंशन निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे डायमेंशन निकल के आएगी एम माइनस वन एल क्यूब एंड टी माइनस टू ओके नाउ अभी जो यहाँ पे रिलेशन दिया था एक बार चेक कर e M e M इसमें आप सारी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा ठीक है इसमें आप सारी वैल्यूज पुट करेंगे सारी डायमेंशन यहाँ पे लगा दी तो सारी डायमेंशन अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो ये आपको कितना मिलेगा ये के की डायमेंशन लगा दी हमने जो कि थी हमारे पास एम एल क्यू टी माइनस फोर एंड ए माइनस टू राइट एंड ई स्क्वायर ए की ई e की डायमेंशन है ए टी और इसका स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एंड जी की डायमेंशन क्या है यहाँ पे एम माइनस वन एल क्यूब और टी माइनस टू और ये हो जाएगा एम स्क्वायर ठीक है तो देखिएगा यहाँ पे ये जब माइनस वन ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा टू और ये एम से एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल हो गया एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल हो गया एंड टी माइनस फोर है एंड इसका स्क्वायर तो यहां पे t की वैल्यू जो है वो ये हो जाएगा t स्क्वायर एंड t की पावर यहां पे ऊपर जाएगा तो ये प्लस में जाएगा तो टू एंड टू फोर हो गया एंड फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पे ये यह जो है a माइनस टू तो इसमें आपका क्या मिल जाएगा ये हो जाएगा आपका डायमेंशन m जीरो l जीरो एंड t जीरो राइट right? तो ये यह डायमेंशन यहां पे हो जाएगी ए स्क्वायर हो जाएगा तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा एम जीरो एल जीरो और ए जीरो लिखना चाहो तो ए जीरो भी आप लिख सकते हो तो ये आप देख सकते हैं कि सबकी पावर कितनी है जीरो है। मीन्स ये जो रेशियो है वो क्या है डायमेंशन लेस है यहां पे लिख देंगे दस द गिवन रेशियो गिवन रेशियो इज डायमेंशन लेस ओके नाउ अभी हमें क्या करना है यहाँ पे वैल्यू भी चेक करनी है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 टू पावर माइनस नाइनटीन कुलम ठीक है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर इसी के साथ में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये होता है 9.1 पॉइंट वन इंट पावर माइनस थर्टी वन के जी मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो वो कितना होता है ये होता है 1.67 10 टू दी पावर माइनस -27 kg राइट right? यहां तक क्लियर हो गया अब ये सारी वैल्यूज उठा के आपको कहां रखनी है उस रिलेशन में रखनी है जो रिलेशन हमें दिया है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एमपी सारी वैल्यूज यहां पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 10 टू द पावर 9 के की वैल्यू 1.6 10 टू द पावर का होली स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है? 10 11. M, 10 31 10 27. ठीक है सभी को कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने पर कितना मिल जाएगा अप्रॉक्स टू पॉइंट टू नाइन इंटू टू दावर थर्टी नाइन तो यहां से आपको क्या पता चला कि ये जो रेशियो है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो रेशियो है वो कितना होगा तो यहां पे लिख देंगे द रेशियो द रेशियो सिग्निफाइज दैट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक force to the gravitational force to the gravitational force is 2.29 into 10 to the power 39. This means this means the electrostatic force Between an electron and a proton is two point two nine into ten to the power thirty nine times the gravitational force. Gravitational force between एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ओके तो इस तरीके से हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप आप चेक कर सकते हैं यहाँ से स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे ठीक है ये ही एक अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन में मिलेंगे हम नेक्स्ट uh, वीडियो में और तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि लोगों तक ये सोल्यूशन uh, पहुंचे और उनको भी इसका फायदा मिले ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए बाय बाय टाटा टेक केयर कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडी बाय